वेलकम बैक गोइंग टू बैक टू वेस्ट हो वे वी स्टार्टेड आर जर्नी फ्रॉम जहाँ से हमने आपके साथ नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ जा रहे हैं मटेरियल की बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि जब भी आप बेड सोफाज डाइनिंग खरीद रहे हैं तो किस तरह से वो कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए हेलो धीरज जी हेलो सर कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़िया वेलकम बैक टू क्लैप ट्रैप वेलकम टू होमिच थैंक यू वेरी मच बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी बिल्कुल लेकिन एसोसिएशन हमारा पुराना है मुझे अभी भी याद है तीन चार साल पहले हमने आपके साथ सफर शुरू किया था जी, और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आपका स्टोर है आपका शोरूम है जी। और एक और ख़ास बात है आपके पास इनफैक्ट जब हमने अपना लर्निंग किया तो हमें प्रैक्टिकली लोगों को बताना होता था कि कौन सा सोफा किस तरह का है कि फ्रेंच क्या है रोकोको क्या है रेनेसो क्या है कैमल हम्प क्या है स्ट्रेट लाइन क्या है चेस्ट क्या है तो आपका वो फर्स्ट शोरूम था जिस पे वो मुझे सारे सोफाज मिल गए थे जिसके थ्रू मैंने क्लैपट्राफ के फैमिली मेम्बर उस समय दस या पंद्रह हज़ार बीस हज़ार पचास हज़ार होते थे और हम उनको बताने की कोशिश करते थे कि जब भी आप सोफा परचेज कर रहे हैं या बेड परचेज कर रहे हैं तो उसका थीम और उसका कैरेक्टर समझ लें तो आपके पास वो सारे के सारे जॉन रहा था वो अब आजकल नोट करना वो बात आज वो नहीं रही आज सीधा ये होता है कि बस मेरी फैक्ट्री मेरा ये मेरा हो बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे क्योंकि दो वजह हैं इसकी कुछ लोगों ने अभी भी ट्रोल किया और अभी भी ट्रोलिंग चालू रहती है हमारी ट्रोलिंग के लिए आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड लोग कहते हैं कि बोलते बहुत हैं और बात कम करते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाने चाहिए प्रोडक्ट कम दिखाते हैं एक तो वजह यह रही दूसरी बात यह थी कि फिर उसके बाद में कई सारे हमारे फेलो मेबर्स आ गए ये पूरा लोगों को जानकारी हो गई ऑलरेडी तो हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया तो ये एक वजह रही माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ टू यू एंड टू ऑल द क्लब फैमिली मेम्बर्स जिनको लगता है कि हमने इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देना कम कर दिया आप लोगों के और हमारे बीच में सिर्फ यही फर्क है कि जो आपका पूरा पूरा सेक्शन है वो मटेरियल और डिज़ाइंस के ऊपर होता है मटेरियल के ऊपर होता है फोकस और जो हमारा फोकस होता, होता है जो मेरा फोकस होता है पर्सी क्लैप ट्रैप का वो होता है लेके यही डिफरेंस है क्लैप ट्रैप और बाकी चैनल में यहां मिल रही है और वहां पे सिर्फ

कहाँ आएगा वो भी नहीं पता था ठीक बात है ठीक तब हमने स्टार्ट किया था है ठीक बात है और हम बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि होम एज जो है लैपटॉप के ऊपर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल का शोरूम है थैंक यू ऑल यूवर्स थैंक यू वेरी मच और आप अफोर्डेबल रेंज में है मिड सेगमेंट से भी नहीं है आप एंट्री सेगमेंट के फर्नीचर यूनिट देते हैं बिल्कुल <laughs> और अब क्योंकि हम हर सेगमेंट को करते हैं और मैं हर सेगमेंट की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि वो सेगमेंट अगर कोई एक लाख रुपये पर सीट ले रहा है या कोई सात हज़ार रुपये पर सीट छः हज़ार रुपये पर सीट ले रहा है तो मैं आई कैन जस्टिफाई बट आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम यू जो अपर सेगमेंट लोग बना रहे हैं उनका जो है उनको आप कैसे देखते हैं मतलब जैसे वो सॉलिड टीक वुड में कह रहे हैं या फिर हाई एंड में कह रहे हैं लग्जरी में कह रहे हैं तो आप उनको किस निगाह से देखते हैं मैं हमारा अपने काम में ही ध्यान है हम अपने जो हमारे डिजाइन हमारे रेट और दूसरा जो हमारा टारगेट मेन क्या है जेनवन रेट हम कस्टमर तक पहुंचाना जेनवन ये नहीं कि उसमें घोल मोल उसके अंदर कभी कुछ ऐड है कभी कुछ कभी वो नहीं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जो हमें मार्जिन चाहिए मार्जिन की बात कोई नहीं करता आजकल बिल्कुल ठीक बात है तो अगर वो उसके रेट भी ज्यादा होंगे ना या कुछ भी होगी तो वो सब हमारी क्वालिटी क्वालिटी कुछ मतलब बहुत सारे वो है हम जब आ, आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे चलिए तो गाबा जी का कहना यह है कि हर प्रोडक्ट अपना एक प्राइस टैग लेके आता है बिल्कुल। गोल्ड का अलग प्राइस टैग है सिल्वर का अलग है आयरन का अलग है और मगर एक स्टोर ऐसा सर एक स्टोर अभी भी जो हमने तीन महीने या चार महीने वीडियो नहीं बनाया तो उसमें भी हमने सरवाइव किया हमारे क्योंकि जो हमारी क्लाइंटेज थी जो, जो एक होमेड से ही लेना है वो लोग भी है आज उनको पता है कि यहाँ पे रेट जर्मन है ठीक बात है देखिए अब दो तीन चीजों के पॉइंटर्स हो गए बहुत दिन बाद एक लंबी चर्चा हुई आपके साथ में तो ये बताना बहुत जरूरी है स्पेशली टू तो पीपल थो थो बीन ट्रोलिंग एज फॉर शूटिंग प्रीमियम एंड एल्ट्राइज रिच सेगमेंट फर्नीचर यूनिट एक बैग जो है वो आप देखें तो लेडीज पर्स अगर से कंपेयर करें तो वो दो सौ रुपए का भी मिलता है स्टेशन पे और वितों और पराडा भी मिलता है उसमें एक अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है स्ट्रेंथ भी है क्वालिटी भी है डिजाइन भी है उनके पैटर्नस एंड डिज़ाइनस हैं लिमिटेड एडिशन भी हैं और फंक्शनैटी तो है ही अपना तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस रेंज बढ़ती जाती है उसमें ये सारी चीज़ें अटैच होती जाती हैं सब अपनी जगह वैसे ही होते हैं राइट आपका जो पर्पस दूसरा आपने बताया वो है वैल्यू फॉर मनी कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं बहुत लो मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं वो और जितना आप जितना आप चार्ज कर रहे हैं जो आपका प्राइस चाह गया है जी। आप उसको प्रॉमिस करते हैं आप उसको डिलीवर करते हैं वैसा ही उतनी ही क्वालिटी को आप प्रॉपर डिलीवर और वो जेनवन रेट होगा ये नहीं कि उसके अंदर कोई ना कोई हाँ मतलब कोई उसमें एफ एंड बट या फिर अंडा करेंट में नहीं है ये आज थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया बिकॉज यू आफ्टर लॉन्ग टाइम सो लेट्स बिगिन यू हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर यूनिट्स बेच और फिर सोफाज पर हमारा खास फोकस होगा जो नए डिजाइन हैं उनका हम आपके साथ एक टूअर करेंगे एंड आपकी तरफ से मटेरियल हमारी तरफ से एस्थेटिक्स साथ में स्टार्ट करेंगे राइट चलिए चलिए तो विल स्टार्ट नाउ कहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सर सोफे से स्टार्ट करते हैं जी फुल कवर सोफा लेदराइट के अंदर है बहुत ही अच्छा बढ़िया कलर है थ्री प्लस टू रेडी है, है। और हमने अब एक वो पैटर्न बना दिया है कि आपको रेट कुछ डिजाइन के दस पंद्रह डिजाइन के रेट सेम देंगे हम

जी बिल्कुल चलिए ये है मॉडर्न होम्स uh, के लिए जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न होम्स हैं उनके लिए अच्छा है ये जिनकी मतलब जिनको बैक ज्यादा हाइट नहीं चाहिए और उनको पूरा हॉल अपना बड़ा दिखाना है तो उसके लिए ये चीज एक थोड़ा सा वो करती है कि बैक से पूरा बैक रूम कवर हो जाता है बिल्कुल <coughs> ठीक कहा आपने एक्चुअली क्या होता है बैक का कंसर्न ऐसे भी होता है कि जितने भी सोफाज जितने भी सोफाज हमारे लिविंग रूम के लिए होते हैं उनकी बैक थोड़ी हाई होती है क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना है जिनकी भी जो ड्राइंग रूम के लिए होते हैं उनकी बैक थोड़ी लो होती है क्योंकि आप ज़्यादा समय वहां नहीं बैठते है ना ये भी एक प्रिंसिपल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं दूसरा ये है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी होम ये थ्री टू में अच्छा लगता है अगर आपके पास स्पेस कम है तो थ्री टू वन वन ले लें ले और इस तरह की थ्री टू ले लें ले और इस तरह की एक्शन चेयर ले लें सर अब जल्दी से मुझे इसका प्राइस बताएं एनविल को फर्द ब्लास्ट कर दें प्राइज के लिए सर के नहीं अच्छा आप सोच के कर रहे हैं मोबाइल में देख के करेंगे बिल्कुल अच्छा ठीक है बताइए ये थ्री प्लस टू देंगे का का बिल्कुल अब कोई <coughs> okay. My God, किसी की फैक्ट्री है 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 किसी का कुछ है, कोई क्या बना रहा है, मगर चलिए ठीक है, है किसके अंदर कोई डिलीवरी कोई हमने ऐसा कोई काम नहीं रखा जहाँ के अगर आप गुड़गामा ले जा रहे हैं तो गुड़गाम के कार्टेज पे कीजिए मेजोरम ले जा रहे हैं तो मेजोरम के सबके अंदर एड नहीं करना अपने को <laughs> okay, I'm not still out of the shock. I'm so sorry for my throat. Okay, so दोनों चीज मिक्स हो गई सरप्राइज भी था मतलब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड एट द सेम टाइम सेवन सीटर का प्राइस मैं बता देता हूँ फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड छ हजार रुपए मात्र सीट फैक्ट्री लगा के बैठे हैं अपने घर में नहीं बनता किसी के भी कुछ भी है बहुत बड़ी प्रोडक्शन है इस रेट में नहीं बनता हम देंगे चलिए ओके okay. सो दिस इज आई थिंक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वेरी नाइस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ इसमें किसी भी तरह का कलर कस्टमाइजेशन हो जाएगा मल्टी कलर के अवेलेबल है लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन बताए वाला क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन बहुत लंबा किया परिचय बहुत लंबा रहा हम कोशिश करेंगे कि जितने नए डिजाइन लॉन्च हुए हैं वो जल्दी दिखाएं बेड्स भी बहुत सारे हैं बिल्कुल सर चलिए ये भी लग्जरी सेगमेंट का एक सोफा है जो मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स के लिए है इसमें ये एक डिजाइनर का श्योर कॉपी है क्योंकि इतने प्लीट्स वही बनाते हैं ये पूछे जो रिंकल्स बनाए हैं ना जानबूझ के ये बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं वही बनाते हैं है 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 ना ठीक ठीक चलिए क्या फैब्रिक है ये सॉफ्ट वेलवेट लगा हुआ है सर ठीक है जी और कुशनिंग का सेगमेंट सबका सेम है जो हम ड्रीम या एच भी लगा रहे हैं ठीक है और जो भी अगर कोई कंपनी किसी ब्रांड में जाना चाहेगा डिफरेंस पे कीजिए और वो हम वो लगा देंगे और सेकंड सेवन सीटर सेम वही हमने सेगमेंट रखा हुआ है छह हजार अगर जिसको सीटों से कैलकुलेट करना है वो कर सकता है सीटर आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको चलिए ठीक है ओके अब स्ट्रक्चर पूरा वुड है सब में सेम होता है अप्लाई और डिजाइन के स्थेटिक्स हमने ऑलरेडी बता दी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट इसके साथ इस तरह की मॉडर्न मेटल वाली आप टेबल मैच कर लें

यहीं से ले लेते हैं हम हाँ। जो बिल्कुल डिस्काउंट पे चल रहे हैं अच्छा लास्ट, है लास्ट पीस में है ये एज डिस्प्ले के में बिल्कुल सर चलिए सेम एज प्राइज्ले वही तो प्राइस ही तो बहुत शॉकिंग होगा सर जी बताइए चलिए ओके पांच साल पहले शुरू किया था वहीं से आज फिर दोबारा उससे भी कम कर दिया पैंतीस हजार आठ सौ रुपए में चलिए ठीक है एंड विल नॉट टॉक अबाउट मच ये जल्दी से क्योंकि हमारे फ्रेश अराइवल है उन पे फोकस होगा ये कितने करेगा थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड

थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज ठीक है आपका प्राइस का मैटर आपका अपना खुद का कॉल होता है कोई बात नहीं पर डिजाइन के बारे में बता दूँ ये जुबानों का डिजाइन है जो कि टर्की बेस्ट कंपनी है या एक और कोई ब्रांड है उसका कॉपी है ये और इसमें कुछ बात नहीं है काफी पॉपुलर डिजाइन रहता है पिछले साल थर्टीज में अभी टू प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग भी हैं अब ये थर्टी फोर पफी इनके जो आप आप प्राइस दिखा रहे हैं ना इस रो में जी। इस रो मतलब वाला इस इस इस, रो नहीं वाली में इस में

सो so, हम दिखाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ और फुल कवर्ड है वो भी मैं चारों को दिखा दे क्योंकि तो मुझे बिल्कुल। लगता है अच्छे डिजाइन है ये बिल्कुल ये डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन आपने ऐसे क्यों दबा के रख दिया इसको नहीं ऐसा नहीं है सर हमने सारे डिजाइन वीडियो में डालने तो इसलिए हमने पूरा सेटअप ना लाके कुछ सैंपल टू थ्री जो हमने आगे पढ़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं चलिए आई जस्ट लव दिस ये डिजाइन पुराना है लेकिन जो कलर में आपने अभी कस्टमाइजेशन किया है ये बहुत अच्छा है लाइट टोन होने की वजह से ये लाइट को बाउंस कर रहा है लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ये लग्जरी का लुक देता है जितने भी यूनिट्स जो है लाइटर कलर टोन में होंगे वो सारे के सारे लग्जरी दिखाई देंगे हालांकि हाई मेंटेनेंस होते हैं कलर की वजह से लेकिन ये लग्जरी होम्स के लिए कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड इसमें जो ब्लू कलर नीचे दिया हुआ है उसको आप कहीं ना कहीं और घर में यूज करेंगे तो ये अच्छा और लुक देगा क्या प्राइस है इसका सेम वही पैटर्न है सिक्स थाउजेंड पर सीट सीट वालों के हिसाब से और

ये थ्री है तो थ्री सीटर सर मगर इसकी जो लेंथ है उसी के हिसाब से हमने जो थोड़े सोफे बनते हैं तो अच्छा देगा अब सबसे बड़ी बात फिर वही आती है रेट ठीक है इसके अंदर भी हम वही दे रहे हैं मैं फिर बता रहा हूँ सीट सीट एक हजार दो हजार सीट से कोई वो नहीं पड़ता मगर जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं सेवन सीटर से अगर वो दो हजार रुपये सीट का फर्क है तो वो चौदह हजार रुपये आपके बढ़ेंगे अगर वो चार हजार पे सीट का फर्क है तो वो आपके ट्वेंटी एट थाउजेंड बढ़ जाएंगे तो इसलिए कभी ये ना समझेंगे वो आठ हजार मिल रहा है या सात मिल रहा है वो सात नहीं मिल रहे है, आपके सात हजार बढ़ रहे हैं चलिए जो आपने वो, आ, में में कहा वो क्लेप्ट के फैमिली क्लैपटॉप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आया मुझे सिर्फ समझ में आते हैं ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं ऐसे नहीं मैं, है? मैं बताता हूँ सर पता क्या कभी कोई कस्टमर के नजरिए से मैं देखता हूँ कभी किसी वो कोई भी शोरूम पे सीधा नहीं आते ट्राई करके दस शोरूम घूम के कोई बंदा आता है तो उनको एक मार्केट में प्राइस मिला आठ हजार रुपये सीट हमारे यहाँ प्राइस मिला सिक्स थाउजेंड रुपये सीट वो डिफरेंस दो हजार रुपए का नहीं हुआ वो डिफरेंस हुआ चौदह हजार रुपए का कैसे तो सात सीट के पैसे लगे चौदह अच्छा, तो कॉमन सेंस होता है ये मगर वो कई बार ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलता कि बड़ा माइनर सा लगता है क्या चीज है नहीं वो तो मल्टीप्लाई करते हैं चलिए इसका सिंगल सीटर टू सीटर भी बन जाएगा ना बिल्कुल सर थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड का फाइव सीटर चलिए अब ये थोड़ा सा अभी दिखा देते हैं ये ये भी भी डिजाइन काफी पॉपुलर है पिछले साल ये क्या रेंज में थाउजेंड एट हंड्रेड का फाइव सीटर एंड फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का सेवन सीटर चलिए सात हजार रुपए सीट ओके अभी हम वो देख लेटर थ्री सीटर इसके फोर सीटर ये मल्टीपर्पज सोफा है अच्छा ये पजल वाला सोफा है जो किसी भी कर हैं। ये, क्या रेंज में? ये आपको हम दे देंगे ये भी क्लियरेंस सेल के अंदर थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड का एज इट इज सेम एज डिस्प्ले चलिए वेरा भी गोइंग ना अभी क्या देखेंगे हमको कुछ फ्रेश चीजें आई हैं वो दिखा दें बिल्कुल सर क्या दिखाएंगे सोफा दिखाइए बिल्कुल फाइबर से स्टार्ट करें सर चलिए अभी फाइबर से स्टार्ट करते हैं नीचे भी कुछ फाइबर है वो बाद में जाएंगे पहले भी हम बेड फीचर कर लेते हैं पूरे ओके है ना बेड का भी हम एक बार थोड़ा सा बीच में ऐड कर लेंगे श्योर श्योर डन डन ये अच्छा पीस आया है नया ये है पॉलीरेजिन में जी बिल्कुल वाह नहीं, कलर डि एक्सेंट में है ये क्वालिटी फिनिश अब <coughs> चेक कीजिए एक बार कैसी है वेरी गुड बहुत अच्छा है ये अब हम आ गए वेनिशियन फर्नीचर की तरफ वेनेशियन फर्नीचर बेजिस बाइंस जो वेनिस से इंस्पायर्ड है और ये क्लासिकल है वेनिस का अपना खुद का डिज़ाइन एंड आइडिया ये उन लोगों के लिए होते हैं जो रॉयल घर में फील क्रिएट करना चाहते हैं इसमें जनरली लेदराइट एंड स्वेट का कॉम्बिनेशन होता है चेस्ट फील्ड होता है स्ट्रेट लाइन होता है साथ में ये रॉयल टाइप के हैं इनके साथ मॉडर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसलिए ध्यान रखें कि इसके साथ कार्पेट भी आप वैसा रखें प्लेन कर्टन रखें आपका शॉर्टेज एंड क्लियर जो इसकी बैक है वो कैमल हम्प है कैमल माउंड भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें सिंगल हम्प होता है ये अगर थ्री सीटर पर जाएंगे तो शायद सिंगल में के अलावा डबल भी होता है कभी कभी यही वो सोफ़ा -सो है जिसका हमने आपसे जिक्र पहले किया था ओके माईम डन आपकी बारी है बताइए मैं रेट बता सकता हूँ ज्यादा ज्यादा फेब्रिक बता सकता हूँ नीचे जेकार्ड लगा हुआ है बैक में सॉफ्ट वेलवेट है डबल कलर की हमने पॉलिश की हुई है गोल्डन एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है ठीक है अब आगे इसका प्राइस अनबीटेबल प्राइस है फैक्ट्री कोई भी किसी तरह से भी फिफ्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड का सेवन सीटर है सर चलिए फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज एट हंड्रेड रुपीज का सेवन सीटर चलिए लेकिन द नेक्स्ट वन इसमें भी कस्टमाइजेशन हो जाएगा पॉलिशन क्लोथिंग का जी। एक मुझे लग रहा है वो टीक में जी जी बिल्कुल सर सर अच्छा ये लास्ट यूनिट सर ओके थर्टीज एट हंड्रेड थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू चलिए एंड दिस इज सॉलिड टीक सॉलिड टीक फूड ओके हाई ग्लॉस में

ओके okay. मैं चाह रहा था ये भी बेड दिखा दें। आप. क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? हो जाएगा? बिल्कुल हो जाते हैं। <coughs> लोगों को आज दे देते हैं जी। जब भी आप बेड खरीदें तो अप्रॉक्सिमेटली वन एंड हाफ फीट का स्पेस आपके बेड के चारों तरफ होना चाहिए ताकि आपकी कन्वीनियंस हो पहला दूसरा बहुत ज्यादा हाई सीलिंग बहुत ज्यादा बैक जो है जिनकी बैक बहुत ऊंची होती है ना ये बहुत ऊंचे छे छह फुट सात सात फुट वो ट्रेंड से बाहर है उनको नहीं लें है ना तीसरा ये है कि जितना हो सके अगर स्टोरेज के साथ ले रहे हैं तो फ्रंट ओपनिंग लें ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट होता है विद हाइड्रोलिक लें हाइड्रोलिक में भी बहुत सारे तरह के हाइड्रोलिक है आते हैं सर उसका भी एक ड्रॉबैक है सर क्या ड्रॉबैक है फ्रंट हाइड्रोलिक क्या ड्रॉबैक है कभी भी दो या तीन बंदों से उठवाएं ऐसा नहीं है कि सर एक ही बार कभी भी वो बैक मार सकता है नहीं नहीं, नहीं फ्रंट हाइड्रोलिक में दो हमेशा हो देते हैं दोनों साइड से इनको पकड़िए फिर भी कभी भी कोई जरा सा लूज पॉइंट रह गया कुछ हो गया वो मैट्रेस के साथ अगर बैक आ गया इंजरी हो सकती है अच्छी थोड़ा सा अच्छी भी मगर फिर मतलब ऐसा नहीं अकेले कभी भी है दो आदमी मतलब एक जरूर साथ लगे और दोनों जो है हाथों से इनको पकड़िए सिंगल हाथ से क्योंकि प्रैक्टिकल है मैं एक बार चेक कर चुका हूँ

वो अगर आप बहुत लग्जरी मैट्रेसेस में जा रहे हैं तो फिर स्टोरेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इसके अलावा साइड टेबल ले लें अगर साइड टेबल की जगह है नहीं है तो साइड टेबल लेना जरूरी नहीं है बिल्कुल ठीक है साइड टेबल विथ स्टोरेज लें अगर आपके पास स्पेस है अगर आपके पास स्पेस कम है तो साइड टेबल ऐसी लें जिनमें स्टोरेज ना हो तो कि वो ऊपर ही ऊपर आप यूज कर सकें दैट वॉज ऑल अबाउट इट बेड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैट्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल मोर देन द डिजाइन आई थिंक द मेट्रस का कंफर्ट मैट्रेस अलॉट वो भी खासतौर से ख्याल रखें खूब सारी बेडिंग रखें खूब सारी सॉरी बेडशीट बिछाएं एंड uh, आपको बेड अच्छा दिखाई देगा लंबा चलेगा राइट अच्छा और uh, मतलब लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है सर में बहुत ज्यादा ऑयल लगा के बेड में घुसना ये सब वो सब मैं आई पर्सनली डोंट लाइक इट क्योंकि उससे बेड में स्मेल हो जाती है पिलोज में भी स्मेल हो जाती है उसको अवॉइड कर लें आपके बेड लंबे चलेंगे हमने उसके लिए भी थोड़ी सी दूर कर दी है लेदराइट बिल्कुल पीछे है ना वो लेदर राइट आपके पास अच्छा एक चीज आप डिजाइन के बारे में बताते हैं ज्यादा हाइट नहीं लेनी है ज्यादा गोल्ड नहीं लेना है ज्यादा चमक चुमक से अवॉइड करिए जितना कम चमक होगा उतना अच्छा लगेगा बिल्कुल ठीक है चलिए और सबसे बड़ी बात जो मार्केट में इस तरह के सेगमेंट मिलते हैं जुलते है बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं ट्वेंटी थर्टी डिजाइन सब कुछ सेम है कोई किसी के अंदर कोई फालतू कुछ नहीं लगता ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है हजार दो हजार पे कोई इस रेट वाला साठ हजार में नहीं पड़ेगा हमारे पास तभी मैं बोलता हूँ बार बार हमारे रेट जेनवन है 36 का विद है 36,700 ओके 800 सॉरी का चलिए ठीक है है आपका किधर मैंने नहीं देखा बट मुझे लग रहा कहीं इशारा है आपका तो कि प्राइस है आप कॉम्पिटेटिव देखते होंगे मैंने नहीं देखा चलिए क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्ट सेल करना नहीं साथ में कस्टमर को बेनिफिट भी तो पहुंचना चाहिए जो लोग 54, 55, 60,000 के बेड लेकर जा रहे हैं उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ठीक बात है ये दिस इज बिटवीन यू अब आपका जो संबंध है संपर्क जो साधा गया है वो डायरेक्ट क्लबट्रफनबी मेंबर्स से साधा गया है मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं बट ये लग्जरी सेगमेंट में है जो थोड़ा सा चाइनीस पैटर्न के बेड होते हैं ना उनके लिए है ये ओके यहाँ हाँ, हमारे पास कुछ राइट में भी बेड पड़े हैं क्या इनमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं जी बिल्कुल सर ये मैं आपको वो स्टार्टिंग वाला वो वाला बता दें पहले वो कितने का है मैं आपको स्टार्टिंग रेट दिखाता हूं अच्छा यहां से दिखा रहे हैं ये जी बिल्कुल जो हमारा आज से पांच सात साल पहले शुरू हुआ था आज भी वही कॉन्सेप्ट है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड विद बॉक्स एवरीथिंग है ना बिल्कुल चलिए विदाउट साइड टेबल इसके अंदर भी आपको ट्वेंटी डिजाइन मिलेंगे हाँ, कलर्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल सब कुछ मिलेगा और अभी है ट्रेंड में थोड़ा 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 है अभी ये ट्रेंड में वो सा आप चेंज कर सकते हो सर थोड़ा स्टील हटा दिया ये सब कुछ कर दिया बिल्कुल। उसके बाद थोड़े अपर सेगमेंट आ जाते हैं ये आ गया ये आ गया ये क्या रेंज में ब्लू वाला ये थोड़े से जैसे जैसे थोड़े से उनके बढ़ते जाएंगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ऐसे हो जाएगा ठीक है अब ये काफी बैलेंस्ड है बोर्ड शेप का है अब ये हमने उसी हिसाब से कर दिए है काम इसके अंदर फिनिशिंग देख लेते हैं इसकी जी बताइए बिल्कुल कोई तो सारा गोल्ड वोल्ड हटा दिया ठीक है दूसरा कई बार ये भी होता है कि बिल्कुल गोल्ड हटाना है यहाँ पे हम सेम कलर भी कर सकते हैं बिल्कुल ये आप कस्टमाइजेशन कर देंगे बिल्कुल में आपको दिखा दूंगा वो भी चलिए इतना तो बैलेंस चलता है एक हमारे को कुछ एक सोफा और रह गया ये पिंक कलर का मुझे ये देखना था बेड 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 सॉरी सॉरी मैं सारे दिखाता हूं, सर <coughs> अब ये हमने लाइट पिंक कलर की पॉलिश की हुई है ठीक hmm. है जी मैं ऐसा नहीं है कि पैसे बढ़े या कुछ हुआ नहीं ये भी हम सेम आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड का देंगे आई डोंट नो वेयर आर यू हिटिंग एट आई डोंट नो सीरियसली बट दिस इज वेरी नाइस बहुत अच्छा डिजाइन है इसकी साइड टेबल है वो भी डिजाइनर है आई एम श्योर ये किसी चाइनीस इंस्पायर्ड है

ग्रेफाइट ग्रे मिक्स तो आप इसमें वाइट या फिर ऑफ वाइट रखिएगा अच्छा दिखाई देगा मूविंग ऑन नेक्स्ट वन दिस इज कॉल सेज ग्रीन और ये कलर भी अच्छा अरे वाह नाइस डिजाइन भी ये अच्छा भी हमने किया था सर पॉलिशिंग का पॉलिश के अंदर हम नए कलर लाए थे लोग और वालनेट कर रहे थे हमने सबसे पहले साइड टेबल और बेड के अंदर ये वाले कलर स्टार्ट किए थे बिल्कुल ठीक बात है मुझे याद है आपने फर्स्ट कलर लिया था इंट्रोड्यूस किया था ब्लू कलर टील ब्लू था या लाइब्रेरी लिबर्टी ब्लू उसको बोलते हैं लिबर्टी ब्लू जिसके अंदर ग्रीन मिक्स था ऑलरेडी हाफ ग्रीन एंड हाफ ब्लू मिक्स होता है पूरे सारे कलर के नाम बताएंगे सो दट यू कैन कोट विम ओके okay. प्राइस सर पहले एक बार साइड टेबल में और काम देख लीजिए क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है नहीं। कभी भी दस बीस हजार रुपए फालतू बेचने वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरा मार्जिन ज्यादा है वो तो यही कहेगा मेरी क्वालिटी ठीक बात है देखिए सॉफ्ट क्लोज जो है इनमें नहीं होता लेकिन कंफर्टेबल सॉफ्ट एंड क्लोजिंग होती है इनकी है ना सॉफ्ट क्लोज नहीं होता इनको आपको पुश करना होता है, है ना राइट ठीक right? है

चलिए आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बेड अभी विदाउट साइड टेबल क्लासिकल अब तक जो आप बेड देख रहे थे सॉरी बात कर दू एक नया बेड एंट्री किया अभी अभी दिस बेड इज फॉर द न्यू क्लासिकल इन क्लासिकल थीम जो इससे पहले दिख रहे थे वो सारे के सारे मॉडर्न थे ये जो जाता है जब आप बहुत ज्यादा मतलब राउंड वाली चीजें यूज कर रहे हैं जब आप शेंडलर यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिकल स्टाइल का जब आप यूज कर रहे हैं फ्लोरल जब आप क्वीन्स किंग्स थोड़ा सा पुराने टाइप का मिक्स कर रहे हैं न्यू क्लासिकल क्लासिकल एंड में अच्छा जाता है। बताएं। तो ये भी लाइट कलर के अंदर है लेट okay, तो, लगा दी तो है बैठिए अब आपको हम वो दिखाते हैं बिल्कुल जिसके अंदर गोल्ड का काम चलिए सारे के सारे किंग साइज क्वीन साइज दोनों है मिक्स होते हैं दोनों चलते हैं ये डिजाइन काफी पॉपुलर प्राइस बताते चलते हैं सर वो वाला नहीं बताएंगे ये थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड का सेम एज डिस्प्ले है नया नहीं बनेगा सेम एज ठीक है डन अब, अब आपने वो बताया जिसमें आप गोल्ड उड़ा दिया बिल्कुल सारा बिल्कुल गोल्ड खत्म कर दिया अब हमने जो नया एक वो दिया जिसकी बैक में स्लांट है कम्फर्ट दिया ऐसे ऐसे हमने बीस पच्चीस बेड बनाए हुए हैं ओके सो एर्गोनॉमिकली करेक्ट बेड बोलते हैं इसको क्योंकि प्योर स्ट्रेट रहता है सर एक मिनट ये देखें जैसे ये देख रहे हैं प्योर स्ट्रेट है है ना जी। ये कहीं ना कहीं उतने लंबे समय तक आप इनको बैक सपोर्ट लेके नहीं बैठ सकते आपको पिलोज की जरूरत पड़ती है जी. ये कहना चाह रहे हैं आप बिल्कुल सर इसमें आप बैक सपोर्ट लेके बहुत देर तक बैठ सकते हैं बिल्कुल सर राइट हाइट अप्रोक। सबकी बराबर है आपको वॉलपेपर पीछे लगा है पैनलिंग है लूवरिंग है वो अच्छा से वो अच्छे दिखाई देंगे और ये वही क्या डिजाइन है जिसमें उधर मेटल था नहीं सर थोड़ा चेंज चेंज है उससे ओके चलिए इसमें क्या भरा है अंदर

ये जो सेगमेंट आपने दिखाया है विदाउट गोल्ड एंड देन लिटिल गोल्ड एंड लिटिल मोर गोल्ड जी ओके okay? ये थोड़ा सा ज्यादा शाइनी है उससे ठीक है अभी भी ले सकते हैं इसको अभी स्कोप है इसमें. Hmm, nice. अच्छा है इसमें हम्म नाइस अच्छा कलर ने बैलेंस कर दिया उसकी गोल्ड को अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हो जाता है, है ना ये क्या मटेरियल है सर मैं फिर भी एक बार रेट नहीं हमने बताए शायद कौन तो से इनके भी नाम बताइए तो, मैं बता बताता हूँ जो हमारी स्टार्टिंग रेंज थी वो तेईस हजार आठ सौ रुपए से थी तो ये सारे जितने भी डिजाइन बीच में मिक्स आ गए अंडर ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड के बीच में आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी फॉर एग्जांपल दिस वन बिल्कुल ये आपको दे, दे देंगे हम कितने का डिस्काउंट कर दें ज्यादा नहीं बीस तर... हजार आठ सौ का दे देंगे सर क्या बात कर रहे हैं दे दिया सर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड जी चलिए ठीक है ये पिंक वाला ये ट्वेंटी अच्छा ये वन एंड लास्ट पीस 35, ये वाला फाइव बता चुके एंड देन बेज वाला लास्ट मुझे लगा आप कहने ये वाला क्यों नहीं दिखा रहे प्लीज कम दिस साइड आई वांट टू कैप्चर दिस अभी डिस्प्ले में नहीं है मगर भी ये भी डिजाइन ही तो नया डिजाइन अगले गे? वीडियो के लिए हम दिखा देंगे चलिए एक क्विक शॉट दे देते हैं दिस इज द कमिंग अप वीडियो ये बहुत अच्छा है ये बाहर का कॉपी है है ना वेरी गुड वेरी वेल डन इवन दैट वन है ना गावा जी बस नेक्स्ट वीडियो को हमने हमारे स्ट्रीट मार्केट बहुत सारी होती है सर सड़कों में बैठ रख के बिकते हैं तो इसलिए हमने थोड़ा सा हां इनको किया था। मतलब कहने का ये है आपका गाबा जी कहना चाह रहे हैं कि ये डिजाइन मतलब बड़े-बड़े कर... शोरूम की कॉपी कॉपी नहीं होती होती हमारी भी 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 है 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 सर मैंने sure, मैंने मैंने sure. मैं वीडियो में में नाम लूँ ना लूँ, आ, मैंने एक स्टोर में सुना था कि उनको भी कर रहा, हमें भी डर हमें अच्छा नहीं सबको डर होता है टर्की जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं कीर्ति नगर में हम ट्रैवलिंग फ्रॉम योर स्टोर टू अनदर स्टोर लाइक लाइक वाइज अदर पीपल आल्सो आर ट्रैवलिंग इंटरनेट आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ओपन द डोर फॉर एवरी वन सो डोंट वरी आपका काम अच्छा है दिस इज अमेजिंग बेड बहुत अच्छा आई है सर इसके पीछे वाला बेड भी अच्छा लगा मुझे और उसके पीछे भी दो तीन बेड हैं पीछे वाले का बस प्राइस बता दें मुझे आई नो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सर प्राइज के मामले में सर जैन प्राइस जैन रेट अभी तक अगर आप हमारे स्टोर पर नहीं आए हैं तो आप चलिए बेस्ट रेट नहीं ले रहे थे ऑल राइट right. लेकिन अब एस्थेटिक्स छूट गया एक बार फिर से बताते हैं जो दो बेड है स्लाइली आई शॉर्ट देम एंड दिवाबाजी मी टू नॉट टू शोट शूट ये दोनों डिजाइन जो हैं ये टैलेंट पैटर्न के डिजाइन हैं मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स में अच्छे जाते हैं उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा सटल चाहिए बहुत ज्यादा इनको बहुत ज्यादा शाइन नहीं दिखाना घर में बहुत शो ऑफ नहीं करना है वो लोग इस तरह के बेड्स को पसंद करेंगे

अच्छा देखिए अभी मैं अभी एक दिखा रहा हूँ ये आपको 48,800 का सेवन सीटर पड़ेगा 35,800 का फाइव पड़ेगा 7,000 पर सीट कोई भी फैक्ट्री कहीं पे भी है इस रेट में आपको जेनुअन रेट है सबसे बड़ी बात जेनुअन रेट में आपको नहीं मिलेगा फिर वही हमारा ये हमारा वो आई डोंट नो अगेन आप किसकी बात कर करें मेरे यहाँ ध्यान भी नहीं था आपने प्राइस जो बताया सेवन थाउजेंड रुपये सीट बताया पर सीट अड़तालीस हजार आठ सौ रूपए चलिए वो आप कैलकुलेट कर लीजिए

ठीक है और bad अच्छी अच्छा है bad. हम बेड भी दिखाएंगे चलिए में है ये, है।, -2 -2, much, ये है ये बढ़िया इसका हैं और बहुत रीजनेबल पैसे के अंदर क्या मार्केट प्राइसटी सेवन जो जिसका दाव लगता है ले लेता है मगर हमारे यहाँ फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड विद साइड चलिए लेट्स गो फर्दर नाउ एंड uh, आज बहुत सारी इंडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन सुन हाँ हाँ आज हम बता रहे थे कि बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई आपकी आई हैव नो क्लू ओके प्राइज को लेकर भी गाबा जी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उनको खुशी है कि वो क्लैप्टर फैमिली मेबर्स के लिए आज बहुत अच्छे प्राइज लेके आए बिफोर वी साइन आउट एक और सोफा दिखाते हैं वेरी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट ये भी रेजन में है ओरिजिनली ये पहले वोर्ड में होता था कॉस्ट में ज्यादा होता था लेकिन अभी आ गया है रेजन में राइट चलिए ये है हमारे पास थ्री टू टू और उनको सर थोड़े से बहुत बल्कि सोफे नहीं चाहिए कॉम्पैक्ट चाहिए ज्यादा जगह नहीं है सोफा बढ़िया चाहिए जी उनके लिए है सर और उसके बाद फिर बड़ी सबसे बड़ी चीज प्राइस बहुत अच्छा चाहिए जनवन चाहिए मेरे हमारे एक रुपया भी फालतू ना लगे वो चीज हमारे यहाँ ठीक है सात हजार सब कुछ ओके है मतलब कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट है कलर्स अच्छा है वुड अच्छा है एवरीथिंग इज लुकिंग गुड टू मी मेरे ख्याल से सब अच्छा है

पूरी मार्केट सिर्फ यहाँ पे जरा सा टीक लगता है पूरा फुल कवर हो जाता है ठीक है ये हमारी हंड्रेड परसेंट वुड के अंदर है सॉलिड में बिल्कुल टोटल क्या रेंज में ये फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड के अंदर विदाउट मार्बल चेयर मिला के बिल्कुल पूरा सेट विदाउट मार्बल ओके चलिए आपने बात छेड़ दी है तो क्विकली मैं टिप दे दूं हमारे व्यवर्स को कि चेयर को ड्रैग करने के लिए स्पेस छोड़िए टेबल के टॉप जो है वो मार्बल के सबसे लग्जोरियस वो ऑन हो। होते हैं उसके बाद में फिर कॉम्पोजिट आता है उसके बाद में फिर इटालियन है उसके बाद में फिर टाइल्स है उसके बाद में फिर ग्लास है और सबसे बेकार और सबसे सस्ता होता है वो है डिजिटल प्रिंट का ग्लास जो कि बिल्कुल क्लासी नहीं दिखता अनलेस बजट इशू है डिजिटल प्ला ना लें डिजिटल प्रिंट भी अगर आप ले रहे हैं ग्लास के डाइनिंग के ऊपर तो ऐसा प्रिंट कराने की कोशिश करें जो बिल्कुल सोबर सटल एंड सिंपल हो तो वो अच्छा दिखाई देगा कुछ डिजाइन में, में आ जाए हाँ। वो ले लें ठीक है ऐसा कुछ मार्बल की फिनिश वाला हो जाए या फिर इस तरह का कुछ प्लेन रख लीजिए नीचे पॉलिश करा के अच्छा दिखाई देगा अच्छे क्वालिटी का ग्लास यूज करिए ठीक <coughs> है सर बिल्कुल सर डन डन फॉर द डे छोटा स्पेस है तो डाइनिंग चेयर थोड़ी सी रखिए नीचे और टेबल रखिए थोड़ी छोटी एक और दिखा दूं छोटे अगर छोटे की बात तो इंफॉर्मेशन दिखा देता जाता हूं और अगर आपका स्पेस कम है तो कोशिश करिए कि जितनी लाइटर टोन में लेंगे उतना अच्छा दिखाई देगा टेबल का टॉप रखिए लाइट क्योंकि लाइट करेगी बाउंस जब लाइट करेगी बाउंस तो रेट बता दो नॉन स्टॉप वीडियो एट हंड्रेड रुपीज है जी, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है स्क्रीन है You, आपकी लाइन थी मैंने बोल दी। जी नंबर फ्लैश ऑन द स्क्रीन। डोंट टच हिम। ठीक ठीक है। है। लास्ट में हमने थोड़ा सा लाइट मोमेंट पे लेके चले गए वीडियो को थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अप्रिशिएट फॉर फॉर कमिंग सर वेलकम